एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य पर बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जरूरी नहीं कि विपत्ति का सामना दुश्मन के सम्मुख से ही करने में वीरता हो, वीरता तो विजय में है। जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। शत्रु को कमजोर ना समझो तो अत्यधिक बलिष्ठ समझकर डरना भी नहीं चाहिए। जब लक्ष्य जीत की हो तो हासिल करने के लिए कितना भी परिश्रम कोई भी मूल्य क्यों ना हो उसे चुकाना ही पड़ता है। शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो उसे अपने इरादों और उत्साह मात्र से भी परास्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता, फिर परमेश्वर, अतः पहले खुद को नहीं राष्ट्र को देखना चाहिए। भले हर किसी के हाथ में तलवार हो या इच्छा शक्ति है जो एक सत्ता स्थापित करती है। आत्मबल सामर्थ्य देता है और सामर्थ्य विद्या प्रदान करती है। विद्या स्थिरता प्रदान करती है और स्थिरता विजय की तरफ ले जाती है। दोस्तों, कुछ सेकंड का ये वीडियो आपको जीवन भर का ज्ञान दे जाएगा। दोस्तों, आत्मबल सामर्थ्य देता है और सामर्थ्य विद्या प्रदान करती है। विद्या स्थिरता प्रदान करती है और स्थिरता विजय की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये कुछ सेकंड का वीडियो आपको जीवन भर का ज्ञान दे गई। यदि आप इस फंडे पर काम कर दिए तो यकीनन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ऐसे और मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। नारी के सभी अधिकारों में सबसे महान अधिकार माँ बनने का है। जो धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है उसका आदर समस्त संसार करता है। बदला लेने की भावना मनुष्य को चलाती रहती है। संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का एकमात्र उपाय है। जब आप अपने लक्ष्य को तन मन से चाहोगे तो जीत आपकी ही होगी। अपना लक्ष्य पाने के लिए हर उस व्यक्ति को वचन दो जिनकी आपको जरूरत है, परंतु सिर्फ संत महात्मा लोगों को ही दिए हुए वचन पूरे करो, चोरों को दिए हुए नहीं। इस दुनिया में हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है और उस अधिकार को पाने के लिए वो लड़ भी सकता है। हम जिस जगह रहते हैं उस जगह का और पूर्वजों का इतिहास हमें मालूम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि खुद की गलती से सीखा जाए, हम दूसरों की गलती से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि खुद की गलती से सीखा जाए, हम दूसरों की गलती से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को तन मन से चाहोगे तो जीत आपकी ही होगी। बदला लेने की भावना मनुष्य को चलाती रहती है। संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का एकमात्र उपाय है। जो धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है उसका आदर समस्त संसार करता है। दोस्तों, हर व्यक्ति को विद्या ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई में जो काम शक्ति नहीं करती वो काम युक्ति से होता है और युक्ति विद्या से आती है। जो मनुष्य बुरे समय में भी पूरी शिद्दत से अपने कार्यों में लगा रहता है उसके लिए समय खुद बदल जाता है। जो व्यक्ति स्वराज्य और परिवार के बीच स्वराज्य को चुनता है वही एक सच्चा नागरिक होता है।